हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक छोटी सी ट्रिक लेके आई हूँ ब्लैक हेड्स के लिए, जो जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं। यहाँ पे नोज़ पे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, नोज़ पे होते हैं, यहाँ पे होते हैं, और जिससे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। बहुत सारे पील ऑफ मास्क हैं मार्केट में जिन्हें आप लोग आसानी से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों की ये रहता है कि नहीं, पील ऑफ मास्क से बहुत ज़्यादा पेन होता है, जो सच में बहुत पेन करता है। पील ऑफ मास्क बहुत पेन करता है, और इन्हीं सब चीज़ों से छुटकारा चाहिए सब लोगों को चाहिए, जिससे आपके ब्लैक हेड्स भी रिमूव हो जाएं आसानी से। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूँगी, आप उसे अपनाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपकी स्किन के लिए। सबसे पहले, अगर आप कहीं धूल मिट्टी इन सब चीज़ों में अगर जा रहे हैं ना आप, तो प्लीज़ आने के बाद अपने फेस पर स्क्रब ज़रूर कीजिए। मैं डेली स्क्रब करने की एडवाइस नहीं देती, क्योंकि डेली स्क्रब नहीं करना चाहिए, हफ्ते में एक आध बार कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप कहीं बाहर ज़्यादा धूल मिट्टी में जा रहे हो, तो आप स्क्रब आके ज़रूर अप्लाई करें। मैंने अपनी स्किन पे खुद 15 दिन से स्क्रब नहीं किया है, तो मेरे यहाँ पे थोड़े से ब्लैक हेड्स हो रहे हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं अपने ब्लैक हेड्स किस चीज़ से रिमूव करूँगी। तो आज जो मेरा इंग्रेडिएंट है वो है ये फेविकोल। आपने बहुत जगह देखा होगा कि फेविकोल की हेल्प से आप अपने ब्लैक हेड्स को रिमूव कर सकते हैं, और ये सच भी है। मैंने ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ एक दो बार ट्राई किया है, इससे आप अपने ब्लैक हेड्स को रिमूव कर सकते हैं, और ये हार्मफुल भी नहीं होता। आप जब छोटे होंगे तो आपने अपने कॉलेज में, स्कूल में काफ़ी बार आपने देखा होगा, आपने पेंटिंग बनाई होगी या कुछ भी बनाया होगा, आपके हाथों पे लगा होगा, ये तो कुछ हार्मफुल नहीं होता है। ये स्किन के लिए फेविकोल कुछ हार्मफुल नहीं होता है। तो मैं आपको इसे अभी अप्लाई करके दिखाती हूँ, फिर मैं आपको खुद दिखाऊंगी कि इसके क्या रिजल्ट रहते हैं। मेरी तरफ से इसके रिजल्ट बेस्ट हैं, क्योंकि मैंने इसे पहले भी बहुत बार यूज़ किया हुआ है। तो चलो चलते हैं, पहले एक फेविकोल लेते हैं अपनी नोज पे। ऐसे लगा लेना है, तो इसे मैंने अपनी नोज़ पे लगा लिया है। मेरे जहाँ जहाँ पे ब्लैक हेड्स थे, मैंने वहाँ पे इसे लगा लिया है। तो जब ये सूख जाएगा, मैं इसे पील ऑफ कर दूँगी, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि इसके क्या रिजल्ट रहे। बेस्ट हैं, लेकिन इससे पेन नहीं होगा, ये 5 मिनट में सूख जाएगा, फिर आप इसे पील ऑफ कर सकते हैं। तो सूखने का वेट करते हैं, जब तक ये सूख जाए तो फटाफट से इसे पील ऑफ करना है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो, मैंने अपने पूरे नोज़ पे इस तरीके से लगाया हुआ है। तो ये सूख जाए, फिर मैं इसे पील ऑफ करती हूँ। तो देख सकते हैं मेरा ये मास्क जो मैंने यूज़ किया है वो सूख गया है। तो देखते हैं इसके क्या रिजल्ट रहते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लग गया था, इसके अपोजिट साइड में इसे मैं रिमूव करती हूँ। धीरे धीरे करना, कभी आप लोगों को ज़्यादा पेन हुए, लेकिन मैं तो थोड़ा धीरे धीरे करना। तो आप देख सकते हैं, आप लोगों को मेरे ब्लैक हेड्स दिख रहे हैं क्या? कोई बुरा नहीं है, 10 रुपए की फेविकोल से अगर आप अपने ब्लैक हेड्स को रिमूव कर सकते हो, तो इससे अच्छा और क्या होगा। आप सच में, आप देखिए गाइस, मेरे नोज पे आपको एक भी ब्लैक हेड्स नजर नहीं आ रहा है, जबकि मेरी स्किन ऐसी है कि मेरी स्किन जो है वो ऐसी है, अगर मैं
2 हफ्तों से ज़्यादा अपनी स्किन पे स्क्रब ना करूँ तो मेरे ब्लैकहेड्स आना चालू हो जाते हैं, तो इसी वजह से मुझे करते रहना पड़ता है। लेकिन मुझे खुद को नहीं पता था कि इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहेगा। मैंने एक दो भी ट्राई किया था लेकिन इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया मैंने उसे। तो आप लोग यू कैन सी सच में बहुत ज़्यादा अच्छे रहे। तो आप खुद सोचिए, 10 रुपये में आप अपने ब्लैकहेड्स हटा रहे हैं और आप पील ऑफ मास्क खरीदो, कितने ज़्यादा पैसों के आते हैं। बहुत ज़्यादा इससे आप अपने पैसे की थोड़ी बहुत बचत कर सकते हैं, आप अपनी सेविंग्स भी कर सकते हैं। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूंगी, हर हर किसी की स्किन अलग अलग टाइप की होती है। मेरी स्किन अलग है, आपकी स्किन अलग है। ऐसा नहीं है कि ये मेरी स्किन पे अगर सूट कर रहा है तो ये आपकी स्किन पे भी सूट करेगा। तो प्लीज गाइस, मैं सिर्फ आप लोगों की सेफ्टी के लिए बोल रही हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता कि हार्मफुल होगा, क्योंकि मैंने एक दो बार कहीं और भी ट्राई करते हुए देखा है उन्हें, तो मुझे खुद को नहीं लगता कि ये हार्मफुल होगा, क्योंकि फेविकोल में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप सब लोगों के लिए हार्मफुल हो। लेकिन आप लोगों की सेफ्टी बहुत बड़ी चीज़ होती है, और अगर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बता रही हूँ तो मैं उसे खुद पे यूज़ करके उसके बाद ही मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो फिर भी मैं आप लोगों को एडवाइस देना चाहूँगी, अगर आपको फिर भी कुछ शक हो मन में तो आप अपने यहाँ पे इसे एक बार यूज़ करके देख लेना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ इसे यूज़ ना करें। तो बस अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। बाय।